So the first thing we discussed was about the this axis. Let me इस एक्सिस का क्या हम लोगों ने माइंड में रखना था कि द अर्थ इज नॉट स्ट्रेट बट टिल्टेड एट एन एक्सिस और एन एंगल ऑफ 23.5 दैट एड्स टू द टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर ऑफ द एक्सिस द वंस विच आर मोर नियर टू द सन वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा और ये जो फर्दर अवे होंगे यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा कम होगा. सो दिस एक्सिस के बारे में दिस 23.5 जो है यू शुड कीप दैट इन योर माइंड. देन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, ऑर्बिट्स को डिस्कस किया था और प्लैनेट्स को डिस्कस किया था. हाउ डू वी डिफाइन प्लैनेट्स? There are large rocky objects which orbit the sun. यस, हु इज टॉकिंग? زينب افتخار Oh, خديجة it wasn't Zainab Iftikhar. इतना इंटेलेक्चुअल आंसर कर ही ना दे. उस दिन मैं कूदना चाहूं कहीं से, कुर्सी से ही कूद जाऊं बेशक, लेकिन कूद जाऊंगा. एनीथिंग वेरी गुड. रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं, एनीथिंग मतलब वो प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स भी हो सकती हैं ऑर्बिटिंग. मोस्टली हम अपने सोलर सिस्टम के अंदर उसको कंसिडर करते हैं सन को एज अ सेंट्रल पीस, कि उसके अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं उनको क्या नाम देते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं. ऑर्बिट्स भी इटसेल्फ एक डेफिनेशन है. ऑर्बिट्स क्या होता है, हमारे पास वो पाथ जो के प्लैनेट्स लेते हैं या ऑब्जेक्ट्स लेते हैं एज इट मूव्स अराउंड लार्जर ऑब्जेक्ट्स, उनको क्या नाम दिया जाता है, ऑर्बिट का नाम दिया जाता है. फॉर आवर सोलर सिस्टम सन इज अ सेंट्रल पीस. दिस पाथ अराउंड विच द ऑब्जेक्ट्स रोटेट या जो है टेक पाथ, इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट. और ऑब्जेक्ट्स जैट ऑर्बिट द सन उनको क्या कहते हैं हम लोग, प्लैनेट्स का नाम प्लैनेट्स देते हैं हमारे पास. ठीक है. और ऑब्वियसली जो इक्वेटर्स के ऊपर होते हैं उनके ऊपर सन की हीट थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता. हमारे पास पोल्स के ऊपर वैल्यूज हमारे पास चेंज होती है. लेट्स डिस्कस द वेरी लास्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर राइट हियर, बिकॉज वी हैव द डायग्राम एंड वी हैव अ डिसेंट डायग्राम हियर, के ऑर्बिट कभी भी हमारे पास क्या सर्कुलर नहीं होता, इट्स ऑलवेज एलिप्टिकल इन शेप. व्हाट इज एलिप्टिकल? एलिप्टिकल को हमने पढ़ा था, ये जो स्क्वॉश्ड सर्कल होता है, स्क्वॉश सी शेप में सर्कल होता है, दैट इज नोन एज द एलिप्टिकल शेप. बट डू वी नो व्हाई डू वी हैव दिस एलिप्टिकल शेप, एनीवन? सर मैंने पता ओके, अपने कोर्स कर लिए थे इसलिए ज़ैनब इफ्तिखार, सर ग्रेविटी जो होती है ना उसको स्क्वॉश यस, कर देती है वजह से ग्रेविटी पुश फोर्सेस इट टू मूव इन दिस पाथ, बिकॉज इट्स लाइक प्लैनेट इज लाइक अटैच टू एन इलास्टिक बॉल, इट इज पुश फर्दर अवे एंड टेकन बैक, जिसकी वजह से इट हैज दिस एलिप्टिकल शेप. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट द पॉइंट हियर, एनदर वन, के फर्दर अवे इट हैज इट्स जीपीई मैक्सिमम एंड क्लोजर टू प्लैनेट इट हैज इट्स, यहाँ पे उसकी कौन सी एनर्जी होगी मैक्सिमम, इट हैज इट्स कनेक्टेड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. एंड दिस स्क्वॉश शेप इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन. एंड दिस स्क्वॉश शेप इज हमारे पास होती है एलिप्टिकल. लेकिन ये जब दरमियान में है तब भी उतनी दूर नहीं है जितनी साइड पे है क्योंकि वो एक सर्कल ही है सर्कल होता तो और बात होती. ठीक है, इट्स नॉट अ सर्कल में, यही तो हमने स्टार्ट में बात की है, ये स्क्वॉश शेप है. और हाँ, एक और चीज भी याद रखिएगा कि जो एलिप्टिकल शेप होती है ना,
उसके सेंटर को फोकस कहा जाता है, ठीक है, एंड इट्स नॉट एट द सेंटर, वो नॉर्मली समवेयर इन बिटवीन लाइक कर रहा होता है हमारे पास, बट दैट समथिंग मैथ्स आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन डिटेल ऑफ इट. सावित्री डिडंट गेट योर क्वेश्चन, व्हाई यू आस्क दिस क्वेश्चन, जबकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द शेप इज नॉट सर्कुलर बट इट्स इलिप्टिकल. आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. नहीं सर, वही था, पहले मुझे लग रहा था अर्थ इलेप्टिकल अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम बेटा, ऑलवेज बी इन टाइम इन क्लास, ठीक है. अपने जितने भी रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैं वो आप साथ में बाद में, देन वी आई हैव टोल्ड यू लाइक मेनी टाइम्स इन द क्लास कि इन डायग्राम्स को आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा बस आपने फोकस्ड रहना है कि इन पॉइंट्स के ऊपर हमारे पास टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रहता है, वो इधर हो या इस साइड पे हो, लेकिन एट एक्सट्रीम एंड्स हमारे पास जो है वो आप देख सकते हो कि दिसंबर में जो साउदर्न हेमिस्फेयर है वहां पे समर्स है बिकॉज इट्स फ्रंट ऑफ इट, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे क्या है हमारे पास, विंटर्स है. यहाँ पे देखो ऑटम एंड स्प्रिंग, ऑटम एंड स्प्रिंग वही है, सेम ही है, बिकॉज इन पोजिशंस के ऊपर उसका इक्वल डिस्टेंस होता है हमारे पास. और यहाँ पे हमारे पास देखो अब ये वाली चीज इन फ्रंट ऑफ इट है, तो यहाँ पे क्या होगा समर्स और यहाँ पे क्या होगा विंटर्स. अगेन यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज एनी ऑफ दिस, बस आपने यहाँ पे यही लॉजिक वेन एवर आस्क्ड अ क्वेश्चन इन द एग्जाम्स और हमने देखे भी हुए हैं व्हाइल प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस के, क्योंकि इट वाज इन फ्रंट ऑफ इट. हाँ देयर वाज वंस अ क्वेश्चन जहाँ पे उन्होंने बोला हुआ था कि उन्होंने वहां पे एक एडिशनल पॉइंट ऐड किया हुआ था कि द सर्फेस दैट इज इन फ्रंट ऑफ इट इज आईसी वाइट, आइस है. अब क्या होगा, टेम्परेचर, क्या उन्होंने कहा कि द सर्फेस दैट इज फेसिंग द सन इज वाइट, ठीक है, हाउ वुड द टेम्परेचर वुड वेरी नाउ. चल, बर्फ पिघल जाएगी। जैनब आपसे मैं यही जवाब उम्मीद करता हूं. कैन आई एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम जायमा और खदीजा, इफ इट्स आइस वाइट कलर, मैंने हिंट भी दे दिया है वाइट कलर, व्हाट डिफरेंस वुड इट ब्रिंग. से वो आई गेस जो एब्जॉर्बर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। हाँ जी, थर्मल फिजिक्स में हमने पढ़ा था ना, मतलब 500 साल पहले, के जो कलर्स होते हैं दैट इफेक्ट्स द टेम्परेचर डिफरेंसेस, तो वाइट इज अ पुअर एब्जॉर्बर ऑफ द कलर, तो इवन इन फ्रंट ऑफ इट वो होगा तो सामने, बट स्टिल वो उतना टेम्परेचर चेंज नहीं देगा जो एक नॉर्मल सर्फेस हमें दे देगा. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. वी हैव 365.25 डेज इन अ ईयर, हमारे पास जो है 3rd अपना जो ऑर्बिट कंप्लीट करता है इट्स 27.5 डेज में. वी वंस हैड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वन एज वेल, जिसमें उसने फेसेस ऑफ द मून पूछे हुए थे हमारे पास, ये तो इजी टू रिमेम्बर, ठीक है, बाकी आपको ये याद रखने हैं. एंड यू कैड सी हियर हम लोगों ने, फिर रिमेम्बर हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था वट एवर इज क्या कहते हैं ऑर्बिटिंग नेचुरली वो हमेशा किस फॉर्म में ऑर्बिट करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो करता है. सो एक दो दफा इसको रीड आउट करने से आप लोगों को ये वाले पॉइंट्स, या आपको बस ये 1 2 3 4 4 याद करने हैं कि क्या होता है हमारे पास. इन पॉइंट्स के बॉटम पॉइंट्स जो है वो वैनिंग्स होंगे, टॉप पॉइंट्स हमारे पास क्या होंगे वैक्सिंग होंगे, बाकी गिबस और क्रीसेंट सेम ही है दोनों के अंदर हमारे पास, ठीक है. इज इट टू हार्ड टू मेमोराइज क्लास, नो ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर नहीं, जैनब इफ्तिखार मैंने सुन लिया है, और जब सबने नो बोला है तब तुमने साथ में नो बोला है. ये न्यू एंड फुल है, वैक्सिंग वैक्सिंग वेनिंग वेनिंग एंड देन गिबस सेम रहेगा, रिसेंट भी यहाँ पे सेम रहेगा, दो तीन दफा इसको लिख के देखिएगा आप लोगों को याद हो जाएगा. सोलर सिस्टम के अंदर ये ओके सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बुक के अंदर, साइट पे उन्होंने दोबारा से भी डेफिनेशंस दिए हुए हैं, इट वॉज समवेयर नहीं दिए हुए
अच्छा पता नहीं कहाँ पे मैंने देखे थे। एनी हाउ दिया है सर वो कीवर्ड्स में। नीचे एंड ऑफ चैप्टर में जाके तो नहीं नहीं साइड पे डब्बे में दिया है मुझे यहाँ पे सर। क्यों नहीं वो ऊपर डब्बा नजर आ रहा है। पता नहीं फिर मेरे वाले में नहीं होगा। एनी हाउ डब्बे में पता नहीं मैंने देखा था कहीं पे कोई डेफिनेशंस वगैरह, बट एनी हाउ हम लोगों ने डेफिनेशंस वगैरह सब डिस्कस किए हुए हैं। प्लैनेट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पास क्या होते हैं, और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड एट्थ, यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि दीज टू प्लैनेट्स आर स्मॉल एंड रॉकी। एंड वाई इज दैट, हमने ये भी डिस्कस किया था वाई दे आर स्मॉल एंड रॉकी। सर प्रेशर बहुत होता है सर वहाँ यस, बहुत। बिकॉज सन का ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होता है, तो इस वजह से ये स्मॉलर होते हैं, रॉकी होते हैं, एंड इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। दे हैव द प्रॉपर्टी, तो ये रॉकी होते हैं एंड दे आर स्मॉलर इन साइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल बल्कि। अर्थ हमारे पास इज द फर्स्ट प्लैनेट विच इज लिवेबल हमारे पास। उसके बाद मार्स एंड जुपिटर के इन बिटवीन हमारे पास एक पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं हमारे पास? सर छोटे छोटे रॉक टुकड़े होते हैं के ऊपर सर, मतलब हाँ जी, स्मॉल स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं हमारे पास। दैट ऑर्बिट्स इज द स्मॉल रॉकी सही है। ऑब्जेक्ट्स जो ऑर्बिट करते हैं, दैट्स बिटवीन, और इनको हम माइनर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। माइनर प्लैनेट क्यों कह रहे हैं? फॉर वन थिंग कि वो ऑर्बिट कर रहे हैं, और ऑर्बिट माइनसली कर बिकॉज ये बहुत स्मॉल साइज में होते हैं, बट नॉट कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द प्लैनेट, इस वजह से हम इसको माइनर का वर्ड यूज करते हैं। बाकी जो मार्स से जुपिटर तक आते हैं हमारे पास, दे आर बिगर इन साइज, जाइंट प्लैनेट्स भी कहते हैं, जाइंट गैस बॉल्स भी कहते हैं इनको हम लोग, गैस जाइंट्स भी कह सकते हैं हम इनको। एंड अगेन रीजन इज कि इन पे ग्रेविटेशनल पुल जो क्या होता है, वीकर होता रहता है हमारे पास, बिकॉज वी आर गोइंग मोर एंड मोर फर्दर अवे फ्रॉम देम। अच्छा, डू यू गाइस नो कि हम लोगों ने वैसे डिस्कस तो किया था, बट हमारे पास कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, डू यू गाइस रिमेम्बर क्या होती हैं? थोड़ा बहुत ही पता है सर, मतलब जैसे जैसे कि हाँ जी, कॉन्टेक्ट फोर्सेस वो होती हैं, फॉर दोज फोर्सेस टू एक्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट नीड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हमारे पास कौन सी होती हैं? वेयर दे डू नॉट नीड टू कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। तो जैसे नॉर्मल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सब क्या है हमारे पास? कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फोर्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में पहली एग्जांपल कौन सी आएगी? ग्रेविटेशनल पुल से यस, इसको डिस्कस करने का रीजन भी यही था कि साथ साथ ये भी हो जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क वर्क कह रहा हूँ, वेट भी हमारे पास आ जाता है। ठीक है, सर तो फ्रिक्शन किस तरह कॉन्टैक्ट में होती है? फ्रिक्शन एक्टिव सिर्फ तब करती है व्हेन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। सर्फेसिस के दरमियान में, रोड्स में बात कर लें, एयर की बात कर लें, ड्रैग की बात कर लें, विदाउट कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एनी थिंग वो फ्रिक्शन एक्ट करेगी। इफ समथिंग इज स्टेशनरी तो उस पर फ्रिक्शन एक्ट करेगी। सर लेकिन ग्रेविटी भी तो इसी तरह आती है, हम जब खड़े होते नहीं, हैं तो ग्रेविटी ही होती है एक्ट हम करती नहीं है। भी खड़े होते तो भी हमारे पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है कि नहीं कर रही होती?
ठीक है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने क्लास में वर्बली डिस्कस किए थे। नाउ लेट्स डिस्कस देम इन पॉइंट्स, कि जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो हमारे पास कितनी दूर है। 4.2 4.2 लाइट ईयर्स। लाइट ईयर हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। हाँ जी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इज 3 × 10⁻¹ एंड टाइम इज 24 × 60 × 60 और 365.25 दिया हुआ था ऊपर। ईयर में डेज। यस अच्छा, तो हमारे पास जो वो हमने डिस्कस कर लिया था, लाइट ईयर्स को डिस्कस कर लिया था। एंड सर दोबारा बता दें डिस्टेंस किस तरह से जो है वो करते हैं स्पीड, कैलकुलेट। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और टाइम फॉर 1 ईयर हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सर गैलेक्सी और स्टार में डिफरेंस होते हैं ऑब्वियसली। ना, तो फिर यहाँ पे तो है कि 4.2 लाइट ईयर्स अवे तो स्टार है, गैलेक्सी तो हाँ, नहीं। तो ओ सॉरी, मैंने लिख गलती से गैलेक्सी दिया, नियरेस्ट स्टार ही लिखना था। वो बोलते बोलते मैंने बोल लिखते, वो तो आई गेस प्रोक्सिमा सेंचुरी समथिंग करके वो नियरेस्ट स्टार है हमारे पास। गैलेक्सी का तो नाम तो मेरे अभी भी जहन से निकला हुआ, तो नहीं क्या था। एंड्रोमेडा सर। हाँ, मैं एंड्रोमेडा बोलने लगा था, मेरे जहन में है, मैंने कहा ट्रांसफॉर्मर मैंने कल देखी है, कहीं मैं उसका नाम तो नहीं ले रहा। फिर मैंने बोला नहीं उसको, मैं लिटरली एंड्रोमेडा बोलने लगा था। फिर मैंने कहा भाई ट्रांसफॉर्मर पता नहीं किसी का नाम ले, फिर सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। अच्छा, ग्रेविटी नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया। मास ऑफ द सन इज नोन एज द सोलर मास। एंड मिल्की वे जो है हमारे पास, इज अ स्पाइरल गैलेक्सी ऑफ विच आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट। ऐसे नाम क्यों रखने हैं? अब तो शुक्रिया, अब तो नाम ही रखते हैं, अब सिर्फ नंबरिंग देते हैं। दिस इज दिस एंड दिस इज दैट। और यूनिवर्स को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे। हाउ डू वी डिफाइन यूनिवर्स? एवरीथिंग, दैट वी कैन सी एवरीथिंग दैट वी कैन। इंक्लूड्स ऑल स्पेस एंड मैं। ठीक है, बाकी हम लोगों ने फोर्सेस को डिस्कस कर लिया है कि फोर्सेस किस तरीके से एक्ट करते हैं। वी नीड टू कीप द प्लैनेटरी मोशंस एंड प्लैनेट पोजीशंस इन माइंड। बहुत दफा वो क्वेश्चन आ जाता है। प्लैनेट्स की डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज हाउ कॉमेट्स लुक्स लाइक। कॉमेट्स हमारे पास क्या होता है, हमने डेफिनेशंस की पहले भी डिस्कस की हुई है। आइसी बॉल्स होते हैं, दे हैव दिस सिग्निफिकेंट ट्रेल अक्रॉस इट। जैसे ये ट्रेल आ रहा है ना, इस तरह के जो ट्रेल्स होते हैं दे आर नोन एज कॉमेट्स। बिकॉज वो ट्रेल क्यों बनता है, बिकॉज व्हेन दे पास थ्रू द सन तो उनकी आइस हमारे पास क्या होती है, मेल्ट होती है। इस वजह से ये मेट्रोइड्स का होता है। नॉर्मली हमारे पास मेट्रोइड्स एंड एस्ट्रॉइड्स हमारे पास क्या होते हैं, लम्स ऑफ रॉक्स होते हैं हमारे पास। और प्लूटो हमारे उससे आउट हो चुका हुआ है, बिकॉज इट्स अ माइनर प्लैनेट एंड इट्स नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ इट। और बाकी हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया ना कि द फर्दर अपार्ट वी आर, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कम होगी एंड उसकी स्पीड भी क्या होगी, अकॉर्डिंगली कम होगी। वो हम यहीं पे लिख लेते हैं। इफ जीपी इज मैक्सिमम तो स्पीड हमारे पास क्या होगी, मिनिमम। और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड।
ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था क्लास? ऑर्बिटल स्पीड इज गिवन एज एस ओवर टी, एस में सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पुट कर देंगे, ओवर टी आ जाएगा हमारे पास। इसमें एवरेज रेडियस पुट करते हैं हम लोग, ऑर्बिटल रेडियस को पुट करेंगे, नीचे उसका ऑर्बिटल पीरियड। ग्रुप में नॉर्मली हमें इसकी वैल्यूज जो है वो गिवन होंगी। ऑर्बिटल पीरियड एंड स्पीड की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट कम्स टू योर माइंड? वोकैबुलरी क्या बताती है? द स्पीड विथ विच द प्लैनेट ऑर्बिट्स द सन एंड द टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट दैट ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल पीरियड या ऑर्बिटल टाइम। ठीक है, जी एंड स्टूडेंट, सॉरी नहीं, 2 पाई आर, मैंने यहाँ पे वो एरो हेड बनाया था कि लिख सकूँ कि ऑर्बिटल रेडियस होता है एंड ये ऑर्बिटल पीरियड होता है। ठीक है, और जो फर्दर अगर प्लैनेट होगा उसका टेम्परेचर लार्जर होगा या स्मॉलर होगा? स्मॉल ठीक है, बिकॉज इट्स फर्दर अवे फ्रॉम इट तो उसका टेम्परेचर जो है वो हमारे पास क्या होगा? लो होगा। एज इट कम्स क्लोज टू इट तो उसके अंदर व्हाट आर जी मीटरॉइड्स? सर, द वन इन द स्पेस वाले या द वन दैट इंटर्स द एटमोसफेयर? स्पेस पर मेट्रोइड ने हिट कर दिया। एस्ट्रॉइड का वर्ड सुना है कभी? या मेट्रोइड अक्सर मूवीज में देखा है हमने, मेट्रोइड्स का वर्ड सुना। यस सर, ठीक है, मेट्रोइड्स मोस्टली क्या करते हैं? दे बर्न अप व्हेन इन द इंटर द एटमोसफेयर। वो बर्न अप क्यों होते हैं? क्योंकि व्हेन दे इंटर द एटमोसफेयर दे एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। और चूंकि उनका स्पीड बहुत ज्यादा होता है तो इस वजह से बहुत जो है वो बर्न अप हो जाते हैं। बाकी जो लास्ट पोर्शन था इस चैप्टर का, दैट वाज के डू वी हैव एनी इशू अप टिल हियर? एक्सक्यूज मी जी सर, स्पेस में टेम्परेचर होता क्या है? आई गेस माइनस में ही होता है, क्योंकि मैंने जो एज पर माई नॉलेज ऑफ द मूवी उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एवरीथिंग फ्रीजेस अप देयर ना, उस सर लिहाज। -270 कुछ होता है, हाँ, टू माइनस सेवेंटी थ्री टू एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो होता है, तो जीरो होता है सर। समवेयर जी, समवेयर उसके करीब करीब ही होता है हमारे पास। एंड वी कैन नॉट अचीव दैट टेम्परेचर एट अर्थ, एंड -273 इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। एंड उस पर जितना भी काइनेटिक मोशन, जितना भी जो हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फिजिक्स की थर्मल में पढ़ा था, वो सब क्या हो जाता है? सीज अप हो जाता है। हियर वी हैव द डेफिनेशंस ऑफ एवरीथिंग के दीज आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर स्मॉलर देन प्लैनेट्स। मोस्ट एस्टेरॉइड्स आर फाउंड इन द एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो मैंने आपको बताया अभी था। कॉमेट्स हमारे पास क्या होते हैं? जायंट स्नोबॉल्स ऑर्बिट द सन इन वेरी इरेगुलर ऑर्बिट्स। When they are furthest away from the sun, they are frozen ball or gas of gas, rock and dust. As they get near, they heat them and leave a trail of dust and gases behind them. Okay? सर कैसे? Next is हमारे पास ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन है। हमारे पास उसमें हमारे पास क्या होता है कि प्लैनेट्स आर ऑलमोस्ट सर्कुलर और सन हैज द ग्रेटेस्ट पुल ऑफ इट। प्लैनेट्स की फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? न्यूबेला आता है। एंड न्यूबेला हमारे पास कब फॉर्म होता है? विच इज अ स्वर्लिंग बॉल ऑफ मास एंड डस्ट एंड गैसेस का होता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो है वो दे क्लैम्प अप टुगेदर, और ग्रेविटेशन पुल की वजह से, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? दे स्टार्ट्स कमिंग टुगेदर, और हमारे पास जो है एक्रीकेशन डिस्क फॉर्म होती है, एक्रीशन डिस्क सॉरी फॉर्म होती है। स्पिनिंग मोशन ऑफ द डस्ट ऑफ गैसेस फॉर्म्स अ फ्लैट स्पिनिंग डिस्क कॉल्ड एक्रीकेशन डिस्क। ग्रेविटी पुल डस्ट एंड गैस टूगेदर सो दे ज्वाइन टू मेक द रॉक्स विच देन
मेक्स अ लार्ज रॉक, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डस्ट एंड गैस बीइंग पुल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्रीशन एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरी इनर रॉकी प्लैनेट, जो इनर उसकी सरफेस होती है उसकी फॉर्मेशन में आता है हमारे पास। होगा क्या, न्यूबेला विच इज फोल्डिंग ह्यूज बॉल ऑफ गैस एंड डस्ट हमारे पास, एंड मोस्टली उसका वो किसका बना हुआ होता है हमारे पास, हाइड्रोजन, जो कि फ्यूजन ऑफ द स्टार में जो है वो काम आता है। उसके बाद एक्रीशन डिस्क एज इट इज वैसे हमारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमने यही याद रखना है कि न्यूबेला इज द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग विच इज बेसिकली डस्ट एंड गैसेस, मेनली इसमें हाइड्रोजन होता है। दे आर पुल्ड टुगेदर ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जिसकी वजह से उनका इनर रॉकी प्लैनेट्स बनता है। तो हमें डिटेल में नहीं जाना, पहला पॉइंट हमारे पास क्या होना है, न्यूबेला विच इज अ बिल्डिंग ब्लॉक विच इज डस्ट एंड गैस, इट इज पुल्ड टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी विच मेक्स द इनर कोर रॉकी, फिर एज द प्रोसेस कॉन्टिन्यूज ड्यू टू क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन रॉक्स टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज, इस टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू द व्हेन द टेम्परेचर इज इनफ इट लीड्स टू द फ्यूजन रिएक्शन। दिस इनर ग्रेविटेशनल पुल जो है ये इनर होता है, इनवर्ड्स होता है, एंड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड इज इनफ फॉर द फ्यूजन रिएक्शन, तो हमारे पास क्या होता है, इट लीड्स टू द फ्यूजन रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर जनरेट होता है। व्हेन आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर इज जनरेटेड तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, स्टेबल स्टार, जो बिल्कुल बेबी स्टार होता है, बिल्कुल इनिशियल वाला स्टार होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, व्हाट डू वी कॉल इट, प्रोटो प्रोटोस्टार। स्टार, ठीक है। एंड दैट इज द प्रोटोस्टार के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, सही है, जो है क्या कहते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन होता है। हाँ जी, व्हेन द टेम्परेचर इज एनफ फॉर द फ्यूजन रिएक्शन तो हमारे पास जो है फ्यूजन रिएक्शन इनिशिएट होगा, आउटवर्ड रेडिएशन प्रेशर होगा, एंड हमारे पास जो है उसमें, ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के अंदर, एलिप्स को डिस्कस किया हुआ है, एसेंट्रिसिटी को डिस्कस किया हुआ है कि जितना स्क्वॉश सर्कल होगा इट मीन्स उस पर ग्रेविटी उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या कर रही है हमारे पास, एक्ट कर रही है। ये कॉमेट्स के बारे में बात हुई हुई है, कॉमेट्स विच हैव द मोस्ट इलेप्टिकल ऑर्बिट्स ऑफ एनी बॉडी इन सोलर सिस्टम एक्सेलरेट ग्रेटली एज दे अप्रोच द सन एंड आर स्लंग बैक एट हाई स्पीड टू रीच द फॉर्देस्ट ऑफ द ऑर्बिट्स। जब प्लैनेट्स मूव करते हैं दे एक्सपीरियंस टू फोर्सेस, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ए क्या एक्सपीरियंस करेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ए वुड बी बिगर देन स्पीड ऑफ बी। ये क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा, जीपी मैक्सिमम एक्सपीरियंस कर रहा होगा कॉज इट इज फर्दर अवे। ये जो होगा ये कोल्डर होगा और ये जो होगा हमारे पास हॉटर होगा सिंस इट्स फर्दर अवे फ्रॉम इट। और ये लिखा भी हुआ है, व्हेन इट इज नियरेस्ट टू सन हैज मिनिमम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एंड मूविंग एज इट्स